उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रही रोहिणी नीलेखनी जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी विद्वानजन, सभी स्वयंसेवी संस्था के सम्मानित सदस्यगण, कई राज्यों से भाग लेने वाले उपस्थित भाइयों और बहनों, आज के इंडिया वाटर पोर्टल हिंदी उद्घाटन समारोह के अवसर पर आपने मुझे उद्घाटन का मौका दिया, इसके लिए मैं रोहिणी नीलेखनी जी और आप सब लोगों को बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई पेश करता हूँ। मैं और भी आपके बीच रह करके आपके बीच जो आपसी चर्चा होती और जो उसका नतीजा निकलता, उसका हिस्सेदार मैं भी स्वयं बनता, लेकिन सभी यहाँ बहुत सुलझे हुए और जिन्होंने वाटर के संबंध में डीप रूटेड रिसर्च करते रहे हैं, अध्ययन करते रहे हैं, आप सभी पुराने बुजुर्ग विद्वान और नौजवान साथी यहाँ बैठे हुए हैं, और हम सब महसूस करते हैं कि इस देश में जल की जो समस्या और जल के कारण कई राज्यों में कई ढंग की चिंताएं व्यक्त की जा रही है कि हमें देश को स्वच्छ जल पिलाना है, जल ही जीवन है, और जल की शुद्धता होनी चाहिए और आवश्यकता के अनुसार जल का सदुपयोग होना चाहिए। इसके लिए कारगर और ठोस उपाय केंद्र सरकार भी करती रही है, यूपीए गवर्नमेंट के माध्यम से भी बेहतर से बेहतर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने द्वारा इंडिया वाटर पोर्टल का उन्होंने विगत दिनों उद्घाटन करके पूरे देश को यह संदेश देने का काम किया, इसको वेबसाइट से हमें जोड़ना है, इसके लिए अवेयरनेस पैदा करना है, इसके लिए जन चेतना जगाना है, जन जन की सहभागिता के आधार पर हमें इसे एक विकास की गति का एक मजबूत हिस्सा बना करके एक इसके लिए आम आवाम तक आंदोलन के रूप में ले जाना है। आज ऐसे मौके पर जब हम उपस्थित हुए हैं तो जल प्रदूषित होते जा रहा है, कई हिस्सों में जल प्रदूषित हो गया है,
दक्षिण के राज्यों से रिपोर्ट आ रहा है, उत्तर के राज्यों से रिपोर्ट आ रहा है और दिल्ली के आसपास के भी कई इलाकों में जल प्रदूषित हुआ है। जमुना इसका जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है, जिसके लिए हमारे एनजीओ के भाई और बहन लगातार इसके लिए आंदोलन भी करते रहे हैं, लोगों में जागरूकता भी पैदा करते रहे हैं और जो जीवन से जुड़ा हुआ जल है इसके गंदगी को साफ करने के लिए लगातार संघर्षरत रहे हैं। हमारी बड़ी बड़ी ऐतिहासिक नदियां जो देश को जोड़ने का काम करती है, नदियां देश को जोड़ती है, भारत एक है, भारत अखंड है। जैसे हम एक संविधान से बढ़े हुए हैं, एक सीमा में हम बंधे हुए हैं, हम सभी भारतीय हैं, उसी ढंग से नदियां इस देश को जोड़ती है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। अबाध गति से चलती है, अपनी निर्झरता के साथ, अपनी कलरब के साथ, अपने संगीत के साथ, अपने स्वच्छता के साथ, जो नेचर ने दिया, प्रगति ने दिया, जो हमें कोल कंदरा पहाड़ों ने दिया। कलरब करती हुई नदियां जो है पत्थरों को पार करती हुई स्वच्छता के साथ आगे बढ़ती, प्रकृति ने पानी को गंदा नहीं किया,